क्या आप लोगों ने कभी सोचा क्यों नागोटो अपनी रिनिगन को शारिंगन में स्विच नहीं करता है? क्योंकि हम सबको पता है रिनिगन शारिंगन की नेक्स्ट स्टेज है। और हमको ये भी पता है माता रोची अपने मन मुताबिक रिनिगन या शारिंगन में स्विच कर सकता था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है आखिर नागोटो क्यों नहीं कर सकता है? और रिनिगन सबसे रेयर और सबसे पावरफुल दोजुत्सु में से एक है। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, हम किसी और दोजुत्सु का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो देखो काकाशी के पास यंग एज में शारिंगन आ गई थी जिसकी वजह से उसके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है शारिंगन को यूज करने का। और इसी वजह से काकाशी को अपॉइंट किया जाता है सास्को इटाची के शारिंगन को डेवलप करने के लिए। मगर काकाशी को शारिंगन के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज होने के बाद भी वो अपनी शारिंगन को नॉर्मल आइज में स्विच नहीं कर सकता था। और इसका सिर्फ एक सिंपल रीजन है, वो शारिंगन उसकी नहीं थी। वो शारिंगन बिलोंग करती है अभी तो उचिया को, और काकाशी उस शारिंगन का ओरिजिनल ओनर नहीं था और ना ही वो उचिया क्लैन को बिलोंग करता है, जिसकी वजह से वो शारिंगन को नॉर्मल स्टेट में स्विच नहीं कर सकता था। यूजर शारिंगन को तभी डीएक्टिवेट कर सकता है अगर वो उचिया क्लैन को बिलोंग करता है, क्योंकि आप डांसर शिमुरा को ही देख सकते हो, वो भी शारिंगन को कवर करके रखता है क्योंकि वो भी शारिंगन को नॉर्मल स्टेट में नहीं कर सकता है। अब आप लोग सोचोगे नागाटो की डेथ के बाद ओबितो ने मादारा उचिया की रिनिगन को ले लिया था और वो तो एक उचिया है, तो भी वो रिनिगन से शारिंगन में स्विच क्यों नहीं कर सकता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ओबितो ने मादारा की सिर्फ एक ही आइस को अपनी आइस से रिप्लेस करा था, क्योंकि वो मादारा उचिया की दोनों रिनिगन की पावर को हैंडल नहीं कर सकता है और ना ही उसके पास रिनिगन आइस का पूरा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ओबितो उचिया होने के बाद भी रिनिगन को शारिंगन में स्विच नहीं कर सकता था। और इससे एक बात और पता चलती है, उचिया रिनिगन को ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो ओरिजिनल ओनर नहीं है तो, क्योंकि ध्यान रखो ओबितो को मादारा उचिया खुद ने ट्रेन करा है। तो आप लोग बोलोगे तो नागाटो रिनिगन को इतने अच्छे से यूज कैसे कर सकता था? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नागाटो को रिनिगन बहुत ही यंग एज में ही ट्रांसप्लांट कर दिया था और उसको रिनिगन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, मगर वो एडल्ट होने तक उसने रिनिगन में मास्टर कर लिया था। और रिनिगन में मास्टर करने के बाद भी वो रिनिगन से शारिंगन में स्विच नहीं कर सकता था, क्योंकि ना ही वो उचिया था ना ही वो ओरिजिनल ओनर था। और मादारा उचिया ने रिनिगन को नागाटो में इसलिए ट्रांसप्लांट करा था क्योंकि वो एक उजुमाकी था और उजुमाकी का लाल चक्र रिजर्व होता है, और लाल चक्र रिजर्व होने के कारण नागाटो रिनिगन की पावर को और अच्छे से यूज कर सके। तो यार आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।